हाय गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आप लोग दोस्तों होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आया हूँ अपने यहाँ जलगांव चौराहे पर, तो आप लोग को मिलाता हूँ अरविंद भाई से। ये अरविंद भाई का ठेला है, ये चाउमीन मोमोज और स्प्रिंग रोल्स बेचते हैं। तो इस तरह से इनका सेटअप आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से तो इस तरह से ये अरविंद भाई हमारे, नमस्कार करो हमारे दर्शकों को। तो इस तरह के इनका कुछ सेटअप है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इनका ये ताज़ा माल रोज बनता है और शाम 7 बजे तक ख़त्म हो जाता है। इनका 4 बजे भी खेल आया है और कुछ भी नहीं बचता। तो इस जलगांव चौराहे पर इनसे ज़्यादा स्वादिष्ट किसी की भी चाउमीन और मोमोज नहीं है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ये चाउमीन। तो इस तरह से इनका कुछ कार्य है, आप लोग देख सकते हैं। और ये इनका पूरा सेटअप है। ये है मोमोज की चटनी, स्वादिष्ट टीकी पड़ी खुटी मीठी। इस तरह से ये मोमोज है वगैरह, आपके भी मोमोज मिल जाएंगे। ये रोल है और ये है इसकी। तो इस तरह से इनका कुछ सेटअप है, तो इसलिए आप लोग जरूर इनका मोमोज। इस तरह से आप देखते हैं कि कचरे भी आते हैं। हाँ, तो ये अरविंद भाई के ग्राहक लोग हैं और हम भी इनके ग्राहक हैं। अक्सर हम भी इनका मोमोज चाउमीन खाया करते हैं, आज भी खाएंगे। तो इस तरह से इनके ग्राहक लोग खड़े हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल, जरूर बताएं कि मेरा एक छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। आप लोगों से यही हमारी गुजारिश है कि सूरज भैया का चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। सूरज ब्लॉग, थैंक यू भाई, थैंक यू सो वेरी मच। और वीडियो को आप ये इनका स्प्रिंग रोल कुछ इस तरह से गर्मा गर्म आप लोग भी खाएँ और आनंद लें। आप लोगों से यही गुजारिश है हमारी, अगर आप ये मेन जलगांव चौराहा है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ का भी। ये कुछ दुकानें और इस तरह से हमारे अरविंद भाई और ये एक भाई और भी, ये भी मेरे दोस्त हैं। तो ये लगा हुआ है मिश्रिक तीर्थ का ये बोर्ड। और तो हाँ, ये अरविंद भाई बताएंगे कि इसमें आप क्या क्या मटेरियल डालते हैं जिससे इतनी स्वादिष्ट आपकी ये चाउमीन बनती है। पहले तो जीरा डालता हूँ। हाँ यस, उसके बाद उसको प्याज डाल रहा हूँ। बिल्कुल, प्याज डालने के बाद थोड़ा पक जाए जब प्याज, उसके बाद हरा मटर डालता हूँ। यस, उसके बाद यही बात। तो इस तरह से इन्होंने प्याज और जीरा को भून लिया है इसमें तेल के साथ और एक दूसरी तरफ साफ होता जाता है। तो बहुत ज़्यादा ही इनकी चाउमीन ये मोमोज स्प्रिंग रोल्स वगैरह बहुत पसंद करते हैं। ये हरा मटर पड़ गया है। यस, इसके बाद बस इतना ही रोक लें। बहुत अच्छी महक आ रही है। इस तरह से इन्होंने चाउमीन भी डाल दी है। अब इसमें ये नमक पड़ गया। ये धनिया पड़ गई हम। ये लाल मिर्च पड़ गया। लाल मिर्च थोड़ी सी तीखी बनाने के लिए। ये थोड़ा दिनों में सोया सॉस। चाउमीन इतनी लंबी होती है, कुकर कर लेते हैं। बिल्कुल, कुकर करने के बाद भूनते हैं, अच्छी लगती है। बिल्कुल, ये अब हमारा बंधा है। शिमला मिर्च है, गाजर है। तो इस तरह से ये चाउमीन बनाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से सब कुछ मिक्स कर लिया और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद थोड़ा तेल और डाल देते हैं। तेल को एक में मिक्स करके इस तरह से हमारी चाउमीन अब तैयार है। ये एक तरह से सारी सब्जियां मटेरियल, इस तरह से सारी सब्जियां और मटेरियल मिला दिया गया है। तो इस तरह से हमारी चाउमीन तरह से तैयार है, खाने के लिए रेडी है। तो इसी तरह से ये अपना कार्य करते हैं और चाउमीन बनाते हैं।
पानी की दुहाई देख रही है।